संकल्प बिहार 24 चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। चलिए हम कल जो चर्चा किए थे उस पर हम कुछ सवाल दिए हैं, उसको हम बनाते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रश्नावली एक में पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और ए बी सी बराबर थीटा, तो दिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक नंबर में एल एच एस इतना है और आर एच एस इतना लाना है। दो नंबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। एल एच एस इतना है और आर एच एस इतना लाना। इसी तरीका का पार्ट वन में सब क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन इसी तरीका का होगा कि एल एच एस कुछ दिया रहेगा, आर एच एस साबित करना है, और एल एच एस दिया रहेगा, आर एच एस साबित करना है। चलो हम जानते हैं, पहले हम जाने थे निष्पत्तियाँ छः हैं, छः वो निष्पत्तियाँ का हम फॉर्मूला जाने थे, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा आदि। इस निष्पत्तियाँ का फॉर्मूला हमें मालूम है तो हम इस हिसाब को आसान तरीका से बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम फिगर बनाते हैं ए सी ए। क्वेश्चन में दिया हुआ ए सी बी एक त्रिभुज लीजिए, तो ए सी बी एक त्रिभुज ले लिए और सी कौन सी है 90 दे दिए तथा जिसमें ए बी बराबर कितना है 29 है, कौन सी है 29 इकाई, कौन सी है 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई और ए बी सी थीटा क्या थीटा, तो सिद्ध करना ही है। पहले त्रिभुज में हमको दो चीज मालूम है, एक तो सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण है, उसके बाद एक ई या तो लंब होगा या आधार होगा। ई पर थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब इसके सीधा का कौन कौन सी होगा, सीधा का भुजा लंब होगा, ई आधार, ई कर्ण। पहले हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी कितना हुआ ई निकाल लेते हैं। ए सी बराबर फॉर्मूला होगा, यानी ए सी क्या होगा, लंब बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान 29, तो 29 स्क्वायर माइनस बी सी क्या 21 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 का स्क्वायर यदि ज्ञात करना तो 29 गुना 29 क्या होगा 99 81, 9 दुना 18 8 26 और 9 दुना 18 2 दुना 4 4 1 5 1 8 6 14 5 2 7 1 8 81। इसी तरह से हमें यदि किसी का वर्ग नहीं याद है तो गुना करके हम वर्ग याद कर सकते हैं। इसी तरीका से कौन चीज 21 गुना 21 का निकाल सकते हैं, इसका क्या होगा 841। 21 का क्या होगा 441, इसको मिटा देते हैं। इसी तरीका से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, इसको मिटा दिए। अब 841 में 441 घटाएं कितना बचेगा 400। 400 को हम 20 गुना 20 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 20 इकाई, क्या होगा 20 इकाई हो गया। करना ए सी करना निकला 20 इकाई, क्या निकला 20 इकाई। अब यहाँ हम निकालते हैं क्या एक नंबर का हिसाब है, क्या है एक नंबर का LHS लेते हैं, एक नंबर का क्या लेते हैं LHS, क्या लेते हैं एक नंबर का LHS लेते हैं, एक नंबर का LHS क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी वाई एच इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बी वाई एच इसका स्क्वायर। पी का मान क्या होगा 20 का स्क्वायर। एच का मान कितना है 29 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। बी का मान क्या होगा 21
और एच का मान 30, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होगा, दो दुना 400 बटे 841 प्लस 441 बटे 841, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 441 400 प्लस 441 क्या होगा 841 बटे 841 काट देंगे क्या होगा 1। क्या आरएचएस प्रूव्ड हो गया, आरएचएस प्रूव्ड, क्या हुआ आरएचएस प्रूव्ड। उसके बाद दो नंबर का हिसाब, ये एक का था, दो नंबर का एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे एलएचएस, एलएचएस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस का फॉर्मूला था बी बाय एच इसका स्क्वायर, माइनस इसका फॉर्मूला होता है पी बाय एच इसका स्क्वायर, बी का मान, बी कौन है 21 बटे 29 इसका स्क्वायर, और इसका पी 20 और ए बी 29 इसका स्क्वायर क्या होगा, इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841 441 माइनस 400 क्या होगा 41 बटे 841 आरएचएस रूट, आरएचएस रूट। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था ए सी बी लीजिए जिसका सी समकोण है तथा जिसमें ए बी 12 29, ए बी 29 दे दिए, बी सी कितना 21 बी सी 21 दे दिए और ए बी सी थीटा तो थीटा दे दिए, तो दिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक नंबर में दो नंबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841। इसमें कुछ नहीं, जो दिया हुआ है त्रिभुज में दिया हुआ कौन चीज, ए बी 29 है और बी सी 21 है, तो ए सी निकाल लेंगे, यहाँ ए सी क्या होगा ये थीटा दिया हुआ, इसके अनुसार ये क्या हुआ लंब, ये तो कर्ण है, ये आधार है, ये भी निकाल जाए, लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा कौन चीज, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण यहाँ क्या है ए बी है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना 29 है, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर होगा क्या हुआ 841 माइनस 441, 841 में 441 घटाएंगे 400 होगा, 400 को हम 20 × 20 लिख सकते हैं, रूट के अंदर सेम चीज़ दो होता है तो एक चीज़ बाहर निकालते हैं, यहाँ 20 निकल गया। उसके बाद एक नंबर का एल एच एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन का फॉर्मूला होता पी बाय एच और कोस का फॉर्मूला होता बी बाय एच, पी का मान है क्या 20 और एच का मान क्या 29, यहाँ रख दिए पी का मान 20 और एच का मान 29 और बी का मान 21 और एच का मान 29, बी का मान 21 एच का मान 29, 20 का स्क्वायर 400 होता, 29 का स्क्वायर 841 होता, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841, ये दोनों का लघुतम ले लिए, 841 और 841 का लघुतम 841 हुआ, इसको 841 में 841 से भाग दिए, एक हुआ, एक को 4 से गुना करेंगे 400 से गुना करेंगे 400 हुआ, 841 को 841 से भाग दिए, एक हुआ, एक को 441 से गुना करेंगे क्या हुआ 441 और 400 और 441 को जोड़ेंगे 841 होगा बटे 841, ये सेम कट गया एक बार में, आरएचएस प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस 1 लाना था, यहाँ 1 प्रूव्ड हो गया, ये साबित हुआ है पार्ट 1। एक नंबर का ऐसा, दूसरा नंबर एल एच एस है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841, एल एच एस ले लिए, एल एच एस क्या था ये था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ले लिए, इसका कोस का फॉर्मूला होता बी बाय एच, इस पर स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा साइन का फॉर्मूला था पी बाय एच, इस पर स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, बी का मान था 21 एच का मान था 29 दे दिए, पी का मान 20 था और एच का मान 29 था दे दिए, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, और 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर